नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं आज के पी लाइव न्यूज। धार के जिला पंचायत सभा कक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में धार के जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सिंह, जिले के पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र सिंह, जिले में आए पर्यवेक्षक, जिले के आला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखें खबर एस के पी लाइव न्यूज पर। पर अंतिम सूची अनुसार नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म नंबर 26 में दिए गए सोशल मीडिया विवरण अंकित हम वहाँ के लिए पुलिस सिक्योरिटी सीसीटीवी वेबकास्टिंग माइक्रो ऑब्जर्वर सारे अरेंजमेंट कहीं भी आपको ऐसी चिंताजनक बात हो तो बड़ी लिस्ट आप हमको दे सकते हैं। कुल 384 व्यक्तियों की पहचान की है जो लोग मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे 384 व्यक्तियों को हम लोगों ने बाउंड ओवर कराया है और उनको फाइनल बॉन्ड भी बनाया गया। पूरे क्षेत्र में हमारी 21 SST और 21 नाकेबंदी ये लगातार काम कर रही हैं। जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई है उस दिन से प्रभावशील है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन में आईटी संबंधी एक्टिविटीज के लिए जो विभिन्न प्रकार के आईटी एप्लीकेशन में चला रहे हैं हम लोग।